इसमें हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेशन फिगर कॉल्ड डाटा, ठीक है। सेकंड है द नंबर ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन वो बार जितनी बार अकर हो रही है, मतलब जितनी बार आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी आएगा इसमें। टेलीमार्क्स फॉर एट, एट के लिए टेलीमार्क्स क्या आएगा बेटा, पहले आप फाइव लिखोगे और फिर आप क्या लिख दोगे, थ्री लिख दोगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। उसके बाद ये क्या बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये फाइव फाइव टेन और टू कितना हो गया ट्वेल्व, तो यहाँ क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए आप, द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाई 40 स्टूडेंट इन एन ओपन बुक टेस्ट, एक ओपन बुक टेस्ट है उसके अंदर 40 स्टूडेंट्स के नंबर बता रखे हैं भाई कि 40 स्टूडेंट्स के इतने इतने नंबर आते हैं। अरेंज दी मार्क्स इन टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको इसको लिखना है यूजिंग टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स में आपको बताना है, ठीक है बेटा। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40 हैं, तो इसमें आप लिखो, पहले आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे एक कॉलम बना लेंगे, पहले मार्क्स फिर टेलीमार्क्स फिर फ्रीक्वेंसी। मार्क्स में आपको ये लिखना है मार्क्स, इसमें यहाँ कितने तक मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, आप देख लोगे भाई वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, नाइन तक मार्क्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो नाइन तक आप लिख लोगे, फिर आप यहाँ लिखोगे कि वन मार्क्स कितने बच्चों के हैं, टू मार्क्स कितने बच्चों के हैं, थ्री कितने के हैं, फोर कितने के हैं, फाइव कितने के हैं, सिक्स कितने के हैं, सेवन कितने के, एट कितने के और नाइन कितने के, ठीक है। ये आप लिख लोगे फ्रीक्वेंसी में, मतलब कितनी बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। तो वन कितने के आया, टू स्टूडेंट्स के आया, टू कितने स्टूडेंट्स के आया, थ्री के आया। देखो इसमें जब आप काउंट करोगे ना, देखो यहाँ से आपको देख के लिखना पड़ेगा, वन वन टू, बस वन और नहीं आ रहा ना, वन टू टाइम्स आया है, उसके बाद टू कितनी टाइम्स आया है इसमें काउंट करो आप, टू काउंट करोगे वन टू थ्री, थ्री टाइम्स आया है। तो ऐसे बेटा काउंट करके आप लिख लोगे कि वन कितने टाइम्स आया, टू थ्री फोर फाइव, जितनी बार आया लिख लोगे। फिर टेलीमार्क्स में आपको मैंने अभी बताया टू कैसे लिखोगे वन वन, थ्री को कैसे लिखोगे वन वन वन, ठीक है, थ्री टाइम्स लिख दोगे, थ्री को फिर थ्री लिखना है। सेवन कैसे लिखा जाएगा, पहले फाइव लिखोगे फिर उसमें आप टू ऐड कर दोगे। सिक्स कैसे लिखा जाएगा, पहले आप फाइव लिखोगे फिर वन ऐड कर दोगे, सेवन पहले फाइव और फिर टू, ठीक है, लिख दोगे। कहीं कोई नंबर छूट तो नहीं गया, उसके लिए आप इस फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर है इसको आप एक बार ऐड कर लो, तो ये सारा क्या आना चाहिए, टोटल 40 आना चाहिए आपके पास, ठीक है। इट मीन्स कि आपने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की, यदि ये कंप्लीट टोटल 40 नहीं हो रहा तो आपने कोई ना कोई नंबर छोड़ दिया है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है, द फॉलोइंग अमाउंट वर कंट्रीब्यूटेड बाई 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फोर हेल्पेज इंडिया, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं भाई इतने इतने रुपए, कोई 10 दे रहा है, कोई 20, कोई 30, कोई 50 और कोई 100, ठीक है। अरेंज द अमाउंट एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, इसको भी बेटा टेलीमार्क्स में ही करना है, इस फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है। तो देखिए कैसे लिखोगे, अमाउंट इन रुपीज़ कितना है, 10, 20, 30, 50 और 100 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। टेलीमार्क्स में लिखोगे, पहले आप फ्रीक्वेंसी लिखो कि 10 कितने बच्चों ने दिए, 20 कितने ने, 30 कितने ने, 50 कितने ने और 100 कितने ने, वो यहाँ से काउंट करके आप लिखोगे बेटा। 10 कितने टाइम्स आ रहा है आप इसमें देखिए, 10 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 टाइम्स आ गया, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में आप 7 लिख दोगे। तो बेटा ऐसे आप अपने आप काउंट कर लोगे 20 कितने टाइम्स आ रहा है, 30 कितने टाइम्स, 50 कितने टाइम्स और 100, ठीक है। तो पहले आप फ्रीक्वेंसी में लिख लेंगे और टेलीमार्क्स आप इसका बना देंगे। 7 को कैसे लिखोगे, पहले 5 फिर 2, 6 को कैसे लिखोगे, पहले 5 फिर 1 3, ठीक है, इनको आप लिख दोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, द कलर ऑफ फ्रिजेस प्रेफर्ड बाई पीपल लिविंग इन ए लोकेलिटी आर शोन बाई द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। इसमें बताया है कि फ्रिज के जो कलर्स हैं ना, वो एक लोकेलिटी है उसके लोग कौन कौन से कलर पसंद कर रहे हैं, ये बताया गया है इसमें, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, वाइट कलर। लेकिन यहाँ पे बेटा आपको ये सिंबल देखना है कि वन पिक्चर है वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसमें ये बताया है कि वन पिक्चर है वो 10 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल
प्रिफरिंग ब्लू कलर, ब्लू कलर को कितने लोग पसंद कर रहे हैं भाई। इसमें पहले तो आप ये देखो कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4, पिक्चर कितनी बना रखी है, 4 बना रखी है। तो पीपल कितने हो गए बेटा इसमें, 40 हो गए ना, क्योंकि एक पिक्चर का मतलब कितने लोग हैं, 10 पीपल हैं। तो ब्लू कलर कितने लोग प्रिफर कर रहे हैं भाई, 40 पीपल, ठीक है। हाउ मैनी पीपल लाइक द रेड कलर, रेड कलर कितने लोग पसंद कर रहे हैं, पहले तो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 पिक्चर बना रखे, तो कितने पीपल हो गए, 10 × 6 = 60 पीपल हो गए ना भाई। तो 60 लोग हैं जो रेड कलर को पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद बी है, इस सर्वे वाज कैरिड आउट इन ए सर्टेन स्कूल टू फाइंड अबाउट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाई स्टूडेंट टू ट्रेवल टू स्कूल एवरी डे। मतलब एक सर्वे किया जाता है, उसमें स्कूल में जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए, मतलब वो स्कूल आने के लिए कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं ये बताया गया है। 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 वर इंटरव्यूड, मतलब 6th क्लास के 30 बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है, एंड द डाटा ऑब्टेंड वाज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें देखिए आप, वन पिक्चर का मतलब वन स्टूडेंट ही है, ठीक है। तो स्कूटर से कितने लोग आते हैं, पब्लिक बस से कितने आते हैं, स्कूल बस से कितने, साइकिल से कितने और वॉकिंग से कितने, इसमें ये बताया। तो पहला है, लुकिंग एट द अबो पिक्टोग्राफ क्विकली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्टोग्राफ को आपको देखना है और आपको आंसर देना है क्वेश्चंस का, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज स्कूटर एज ए मोड ऑफ ट्रेवल, स्कूटर से भाई कितने लोग आ रहे हैं। वन पिक्चर का मतलब वन स्टूडेंट है, तो 4 स्टूडेंट हो गए भाई। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इन क्वेश्चंस में। उसके बाद है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग साइकिल और वॉकिंग एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें ये बताया है कि कितने स्टूडेंट है जो साइकिल से और वॉकिंग से आते हैं। तो साइकिल से 3 हो गए और वॉकिंग से बेटा 7 स्टूडेंट है। 7 + 3 कितने हो गए, टोटल 10 स्टूडेंट्स हो गए इसके अंदर, ठीक है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रैवल, आपको ये बताना है सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैवल का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए स्कूल बस है, स्कूल बस से सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं भाई उसमें, ठीक है। तो पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो गया बेटा, स्कूल बस हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद है, इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन ए पर्टिकुलर सीजन। मतलब एक विलेज के अंदर 6 फ्रूट्स के व्यापारी हैं, वो इतने इतने फ्रूट्स बास्केट हैं वो सेल करते हैं भाई। रहीम है, लखनपाल है, अनवर है, मार्टिन है, रंजीत सिंह है और जोसेफ है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इसका मतलब क्या है, 100 फ्रूट बास्केट है भाई। एक बास्केट जो बना रखी है इसका मतलब कितनी है, 100 फ्रूट बास्केट है, ठीक है। पिक्चर्स में हमने रिप्रेजेंट, क्योंकि पिक्टोग्राफ है इसमें हम अपने आप स्केल लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट एंड हाउ मच सोल्ड। ये कह रहा है सबसे ज्यादा बास्केट कौन सा मर्चेंट सेल करता है और कितनी बास्केट सोल कर रहा है। तो भाई ये मार्टिन जो है ये सबसे ज्यादा फ्रूट सेल कर रहा है, लेकिन कितनी बास्केट कर रहा है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पिक्चर्स हैं। मींस कि कितनी बास्केट फ्रूट सेल कर रहा है वो, 900, क्योंकि वन बास्केट का मतलब कितनी है, 100 फ्रूट बास्केट है बेटा, ठीक है। हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाई अनवर, अनवर के द्वारा कितनी फ्रूट बास्केट सेल की जाती हैं। तो पहले आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीन्स की कितनी हो गई, 700 फ्रूट बास्केट हो गई इसमें, ठीक है। द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट, आपको ये बताना है वो मर्चेंट को, व्यापारी कौन कौन से हैं जो या तो 600 बास्केट सोल्ड कर रहे हैं या 600 से ज़्यादा। आर प्लानिंग टू बाई टू गाई गोदान फॉर नेक्स्ट सेजन, नेक्स्ट सेजन के लिए वो गोदान खरीदना चाहते हैं, कैन यू नेम देम, तो आपको उनके नाम बताने हैं। तो इसमें आप 600 और 600 से ज़्यादा जो भी हैं जो फ्रूट सेल कर रहे हैं बेटा, उसका आप क्या लिख दोगे, नाम लिख दोगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लखनपाल हो गया, अनवर हो गया, मार्टिन हो गया और रंजीत सिंह हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 villages, 5 villages में नंबर ऑफ ट्रैक्टर बता रखा है। तो विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, डी और ई, और एक ट्रैक्टर का मतलब बेटा एक ही ट्रैक्टर है इसमें, यहाँ ज़्यादा ट्रैक्टर नहीं बना रखे, ठीक है। तो देखिए विलेज ए में कितने हैं भाई, बी में कितने, सी में कितने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, आपको ये बताना है सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर कौन से विलेज में है। तो विलेज सी हो गया भाई, विलेज सी में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर है, ठीक है। उसके बाद है,
विच विलेज हैज द, सॉरी फर्स्ट पार्ट है विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, पहले में सबसे कम ट्रैक्टर बताने हैं। विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, मैक्सिमम मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कौन से विलेज में है वो सेकंड में बताना है। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कम्पेयर टू विलेज बी, विलेज बी के कंपेरिजन में सी में कितने ज्यादा हैं। तो बेटा पहले तो बी में देखो कितने बड़े ट्रैक्टर, बी में 5 हैं और सी में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं, तो इससे कितने ज्यादा हो गए, 3 ट्रैक्टर्स ज्यादा हो गए ना भाई, इसमें 5 है और इसमें 8 है, तो इसमें सी के पास बी से कितने ज्यादा हो गए, 3 ट्रैक्टर्स ज्यादा हो गए। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस, इसमें सभी को आपको ऐड करके बताना है कि टोटल 5 विलेजेस में टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद बी है द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशन मिडिल स्कूल इज डिप्रिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ, इसमें बताना है ये गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इतनी इतनी है क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट्थ में। फॉलो द गिवन पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बताना है विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट कौन सी क्लास में, बेटा एट्थ में है क्योंकि इसमें 8 गर्ल्स ही हैं, क्योंकि 1 पिक्चर का मतलब कितनी है हमारे पास, 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन क्लास 5, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन क्लास 6 लेस देन, इसमें बताया है कि 6 क्लास की गर्ल्स स्टूडेंट है क्या वो 5th क्लास से कम है, इसमें कम नहीं है बेटा, 6th क्लास में ज्यादा है 5th क्लास से। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स स्टूडेंट आर देयर इन क्लास 7th, 7th में आपको बताना है टोटल गर्ल्स कितनी है, तो 4 पिक्चर है और एक गर्ल्स, ये जो पिक्चर है इसका मतलब कितनी गर्ल्स हैं, 4 है, तो 4, 3 जा 12, तो कितनी गर्ल्स हो गई बेटा इसमें, 12 गर्ल्स हो गई। ठीक है, 3 क्वेश्चन तक आप करेंगे, इस आगे वाले जो क्वेश्चन है इसमें, ये 5th क्वेश्चन है ये कल करेंगे बेटा इसमें। ठीक है, थैंक यू।